साथियों, माता और बहनों, सबको राम राम। ये जो आज का प्रोग्राम था, ये कल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण त्यौहार था। त्यौहार तो हम मनाते नहीं, लेकिन आज जो ये दहन किया है भाजपा सरकार और हरियाणा में जसपा सरकार का, जैसे रावण का दहन करते हर साल, जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे, एमएफसी पर गारंटी नहीं होगी, जब तक भाजपा और जसपा का दहन किया जाएगा हर साल। क्योंकि इस भाजपा सरकार जसपा सरकार ने और सेंटर में इतनी बुरी हाल कर दिया देश का। पहले हम संयम से रहते थे, गलवान घाटी में हमारे 45 जवान मारे, चाइना में हमारे 20 जवान मारे और लखीमपुर खीरी में हमारे 5 किसान मारे, करनाल में हमारा किसान मारा, इसलिए और 750 किसान हमारे शहीद हो चुके। इसलिए आज ये पूरे सेंटर के जो मंत्री हैं, हरियाणा के जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर से लेके और सेंटर के जो मंत्री हैं, आज उनका दहन किया, यानी पुतला बना के उनको जला दिया गया। के भाई हम तारी शक्ल नहीं देखना चाहते, ग्राउंड पर हमारे से दूर हो, बड़न तो ग्राउंड पर भी नहीं देते हम, लेकिन तारी शक्ल भी हमने मंजूर नहीं है। इसलिए ये आप दफना दिए और ये बहुत लंबा, तकरीबन हमने 70 फुट का कहा था, लेकिन 80 फुट पर बात चली गई। 80 फुट का ये जो पुतला बनाया गया था सरकार के मंत्रियों का, ये आप दहन कर दिया। और हम चुनौती देते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो इनको उतने देते नहीं, आने देते नहीं, कोई बात नहीं करते। हम सरकार किसानों से मांग करते, सिर्फ किसान से मांग करते, वह पूरे देश में कहीं भी भाजपा के लोग नहीं बढ़ने चाहिए और नहीं उतरने चाहिए, ये किसान संयुक्त मोर्चा से हमारी मांग है। क्योंकि हमारा देश किसान, मजदूर, दुकानदार, छोटा परिवार, रिक्शा वाला, छोटा दुकानदार, ये हुक लिए है, इनको देखना नहीं चाहते और इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। इसलिए भाइयों, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम।